तो मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट में होने वाला जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, हार्ट जो है, हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है जो हार्ट का जो है लेफ्ट वाला पार्ट बनाया है, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया है। कौन सा पार्ट बनाया है? फोर चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। इसमें है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, उसको यहाँ जूम आउट किया है, बनाया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमें जानना है कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है। इजेक्शन फ्रैक्शन में अगर एक नॉर्मली भाषा में बताऊं तो हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसके द्वारा एक बीट में, जब एक कार्डियक साइकिल होता है, एक बार जब हार्ट पंप करता है उसमें वो कितना प्रतिशत ब्लड को क्या करता है, इजेकुलेट कर देता है बाहर की ओर। क्या करता है? इजेकुलेट। देखिए क्या होता है कि जब दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टोल होता है, आप जानते हैं सिस्टोल होता है, और एक होता है डायस्टोल। ठीक है, दो कंडीशन होती है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल जो है उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है, यानी कि भर रहा होता है। ठीक है, पल्मोनरी जो वेन है वहाँ से ब्लड आके वो इसके अंदर भर रहा होता है। तो डायस्टोल वाली कंडीशन में क्या होगा, ब्लड इसके अंदर आएगा ये। ठीक है, ये वॉल्व यहाँ खुला है और ये फिल होने लगेगा। क्या हो गया? फिल हो गया। ठीक है, ये यहाँ भर गया। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है जब हार्ट में डायस्टोल चल रहा है, तो ये डायस्टोल वाली कंडीशन है। इस टाइम हार्ट क्या कर रहा है? फैल रहा है। मतलब क्या होगा, इसके अंदर फील होगा तो ये क्या होगा, भरने लगेगा तो फैलेगा। ठीक है, डायलेट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी डायस्टोल वाली। अब इसके अंदर मान लीजिए कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हुआ है, इसके अंदर 100 ml मान के चलिए, मैं बताता हूँ। 100 ml आपने इसमें ब्लड जो है फिल हुआ। अब इसके बाद जब डायस्टोल के बाद जब सिस्टोल की कंडीशन आएगी, जब क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को पंप करने करेगा या पंप करने की कोशिश करेगा। यहाँ देखिए, तो ये कंडीशन कौन सी आएगी, सिस्टोल। तो जैसे ही यहाँ सिस्टोल होगा, हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ब्लड क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और ये एओर्टिक वॉल्व खोलेंगे और ब्लड ऊपर की ओर, यानी कि बॉडी में इजैकुलेट हो जाएगा। तो जब ये सिस्टोल कंडीशन के बाद जब ये ब्लड इजैकुलेट कर दिया जाता है, जब एक बार हार्ट, एक बार कार्डियक साइकिल होता है, एक बार हार्ट यानी कि धड़कता है, बीट करता है, तो कितने प्रतिशत, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है इजेक्शन फ्रैक्शन की, तो इजेक्शन फ्रैक्शन में आएगा परसेंटेज, ना कि अमाउंट। हम ये नहीं देखेंगे कि कितने ml ब्लड उसने इजेकुलेट किया, हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत। अगर यहाँ 100 ml है और उसने अगर 70 ml यहाँ पे इजेकुलेट किया, 30 ml इसमें यहीं रह गया, तो हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे कि कितना प्रतिशत किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मोटा मोटा माने, अगर ये 70 ml को पंप करेगा तो ये हो गया हमारा 70%। तो ये 70% जो है वो क्या हो गया, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट में जितना ब्लड है वो एक बार में उस ब्लड का कितना परसेंट जो है, कितना प्रतिशत जो है क्या करेगा, एओर्टा में या बॉडी के पार्ट के ओर क्या करेगा, उसको इजेकुलेट करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एक नॉर्मल पेशेंट के लिए? ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए होगी 55-65%, यानी कि जितना ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है डायस्टोलिक के समय, तो उसका लगभग 55-65% अगर पंप कर रहा है हार्ट, तो आपका हार्ट क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब है माइल्ड, अगर हार्ट फेल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, या उसके सिस्टोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कम होने लगेगा, 40-45% हो सकता है माइल्ड कंडीशन में। अगर आपको ये जो कंडीशन है, मतलब आपका हार्ट अगर फेल हो रहा है, तो ये हो सकता है कि मॉडरेटली हो जाए, तो ये 30-40% अगर हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे मॉडरेटली, मॉडरेट कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा ये जो है डिजीज़ जो है बढ़ चुकी है। फिर है मॉडरेट टू सीवियर, अगर 20-30% किसी का जो है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन आ रहा है, जो कि इकोकार्डियोग्राम, इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है,
टू डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उसमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 20% से 30% है किसी पेशेंट का, तो ये क्या है, पेशेंट मान के चलिए सीवियरिटी की ओर बढ़ रहा है, हार्ट फेलियर की ओर बढ़ रहा है, कभी भी उसको हार्ट फेल हो सकता है। फिर है सीवियर, अगर किसी का 20% से कम है इजेक्शन फ्रैक्शन तो वो सीवियर कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। ये इसमें हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन को इफेक्ट कौन करता है, यानी कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो वो कम किस कंडीशन में हो सकता है। तो देखिए, एक तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं, अगर वही वीक हो जाए, क्योंकि वही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही कम हो जाए तो क्या होगा, ये ब्लड को पंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा है हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, मान लीजिए कोई आर्टरी थी, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेजिंग आई, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हुई, उसके वजह से मसल क्या हो गई, हार्ट की डैमेज हो गई, मायोकार्डियम डैमेज हुआ, उसके वजह से क्या हो गया, मसल्स वीक हो गई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है हार्ट वॉल प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हार्ट के वाल्व खराब होते हैं, मान लीजिए मैंने इसको पंप करा, अब वाल्व में ऐसी दिक्कत है कि ये ब्लड रिवर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, या फिर पूरी तरह से वाल्व खुल नहीं रहा है, तो उसके वजह से हो सकता है कि ब्लड पूरी तरह से ऊपर ना जाए, तो रिवर्स हो जाएगा, तो उसके वजह से ब्लड जब बैक वापस आएगा तो एक प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि ब्लड तो वापस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। फिर है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर। अगर लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या होता है, उसमें आगे क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर्टरी के अंदर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आर्टरी में जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो रिवर्स प्रेशर की वजह से भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो और इजेक्शन फ्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे बोलेंगे हम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जब डायस्टोल यानी कि फिलिंग की प्रोसेस जब हार्ट के वेंट्रिकल में हो रही होती है, तो जब डायस्टोल खत्म होता है तो उस टाइम कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है उसके अंदर, और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम हम बोलेंगे कितना ब्लड उसने पंप किया। यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ ml की बात हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि 100 ml था, उसने 70 ml पंप कर दिया, तो उसके लिए हम निकालें तो कैसे निकलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है हमारी 70 अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मैंने आपको बताया थी डायस्टोल खत्म हुआ तो 100 थी, 100 में 70 उसने पंप कर दिया, फिर 100 से इसको करना है, यहाँ आ जाएगा हमारा 70%, यानी कि इसका 70% क्या आ रहा है, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, ये था हमारा टॉपिक इजेक्शन फ्रैक्शन। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे, कितना वॉल्यूम पंप किया उसने, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि कितना परसेंटेज अमाउंट जो है ब्लड का पंप कर रहा है, मान लीजिए हो सकता है कि इसके अंदर 200 ml ब्लड हो और 200 में से सिर्फ वो 70 कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम आएगा। 200 अगर यहाँ होगा, लगभग 200 होगा और 70 ml पंप कर रहा है, तो आप मान के चलिए लगभग 35% इसका इजेक्शन फ्रैक्शन आएगा, यानी कि पेशेंट का हार्ट जो है वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है उसका एट्रियम फैल चुका है, हार्ट फेल की और बढ़ा है, मान लीजिए इसका साइज बढ़ गया, ब्लड तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन मसल्स इतनी वीक है कि उसको पंप ही नहीं कर पा रही है, तो ये एक हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में जाएगा। तो ये पेशेंट क्या है, नॉर्मल नहीं है, भले वो 70 ml पंप कर पा रहा है, लेकिन क्या है उसमें परसेंटेज जो है ब्लड की जो उसको पंप करना चाहिए, लगभग 55 से 65%, अगर वो नहीं है तो हार्ट फेलियर की ओर पेशेंट बढ़ रहा है। तो ये है हमारा टॉपिक था इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।